सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंटर में एडमिशन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके रिलेटेड एक पेपर कटिंग आया है जिसको मैं आपको पढ़ के दिखाने वाला हूँ और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है और आपका जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट एंड स्पॉट एडमिशन कब तक होने का चांस है, सारा डिटेल बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर ये आज का एक पेपर कटिंग है। आप देख सकते हो लिखा हुआ इंटरमीडिएट का 2021-23 सत्र शुरू होने में होगी देरी। ये पेपर कटिंग है, मैं आपको एक एक करके पढ़ के मैं आपको बताऊंगा और बाद में मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका अनुमानित तिथि क्या है, कब तक आपका एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट एंड स्पॉट एडमिशन हो जाएगा। पढ़ के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं लिखा हुआ इंटरमीडिएट का 2021-23 सत्र शुरू होने में अभी और समय लगेगा। इस बार इंटर में नामांकन प्रक्रिया खत्म होने में 2 महीने से अधिक समय लग सकता है। ऐसे में अक्टूबर से पहले सत्र शुरू हो पाने की उम्मीद कम है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार जो है एडमिशन में थोड़ा लेट होगा, क्योंकि ये लेट होने का कारण क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अक्टूबर से पहले मैं अपना क्लास करने लगूंगा 11th का, तो ये होना यहाँ पर उम्मीद नहीं दिख रहा है। उसके बाद नीचे आते तो देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक की परीक्षा फरवरी में ली गई। जैसा कि आपको पता भी होगा रिजल्ट 5 अप्रैल को जारी कर दिया गया, लेकिन CBSE और ICSI के रिजल्ट जारी होने में देरी होने के कारण इंटर दाखिला के लिए आवेदन जून में शुरू हुआ। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट तो फरवरी में ही आ गया था, बट प्रॉब्लम क्या था कि CBSE का जो है रिजल्ट जो वो जुलाई महीने में आया था, तो जून से जो है आपका इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। बट इस रिजल्ट में CBSE के रिजल्ट डिले होने के कारण धीरे धीरे जो है इसका डेट बढ़ाते गया। जैसे ही CBSE का रिजल्ट आया और 10 दिनों के अंदर ही इसे क्लोज कर दिया गया। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। देन उसके बाद नीचे आते हुए लिखा हुआ आवेदन लेने के बाद बोर्ड ने दाखिला के प्रथम चयन सूची अगस्त में जारी की है। अभी प्रथम चयन सूची के आधार पर 4 सितंबर तक नामांकन लिया जा रहा है। आपको पता होगा कि जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है उसका जो है एडमिशन अब 4 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है बोर्ड की माने तो प्रथम चयन सूची के बाद दूसरी और तीसरी चयन सूची जारी की जाएगी। इसमें अक्टूबर निकल जाएगा। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड 3 मेरिट लिस्ट जारी करता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर इस तीनों मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आता है तो उसके लिए एक स्पॉट एडमिशन जो है वो चलाया जाता है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि अक्टूबर निकल जाएगा, आपका जो है एडमिशन होते होते आपका अक्टूबर माह पूरे निकल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ पिछले साल वर्ष 2020 में बोर्ड ने अगस्त तक इंटर नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर दी थी। अगस्त अंतिम सप्ताह में सत्र शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस बार जो है अभी तक ये सत्र शुरू नहीं किया गया है। ऑनलाइन कक्षाएं सितंबर में शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार CBSE का रिजल्ट जुलाई के अंतिम माह में जारी किया गया है। इस कारण नामांकन के आवेदन 10 अगस्त तक लिए गए। आपको पता ही होगा कि CBSE का रिजल्ट जो है थोड़ा डिले आया था, इसलिए जो है एडमिशन का जो है डेट बढ़ाते 10 अगस्त तक करना पड़ा। एंड उसके बाद आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर अभी एडमिशन चल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ के अभी नहीं बता रहा हूँ। तो ये देख सकते ये पेपर कटिंग था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक फाइनल डिसीजन क्या निकलता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपका सेकेंड एंड थर्ड एंड स्पॉट एडमिशन के लिए लिस्ट कब निकलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, पहले तो स्पॉट एडमिशन के लिए कोई लिस्ट नहीं निकलता है। अगर आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप किसी भी कॉलेज में जाकर आप एडमिशन करवा सकते हैं। ये हो गया। अब बात आती है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा कब। तो आपको जैसा कि पता होगा कि अभी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर 4 सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। 4 सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, तो आप मान सकते हैं तो लगभग 10 या 15 सितंबर का जो है आपका 10 या 12 सितंबर का जो है अनुमानित तिथि के अनुसार आपका जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होगा, और जिन लोगों का एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं होता है किसी कारणवश, तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है सितंबर के लास्ट वीक में जारी करने का अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं तो आपका जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका जारी कर दिया गया है, जो कि आपके यहाँ पर डेटा भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको जो है एडमिशन के लिए एंड उसके बाद जो आपका स्पॉट एडमिशन होगा, मान सकते हैं कि अक्टूबर तक इसका पूरा सिस्टम चलेगा, जिसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसमें अक्टूबर निकल जाएगा। सो देख सकते हैं आपका जो है अनुमानित तिथि क्या है, आपका कब तक जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का
चांस है। जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट के रिलेटेड कोई डेट निकलता है, फाइनल डेट निकलता है, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, आप कोई टेंशन नहीं लेंगे। बस एक इन्फॉर्मेशन था जो मुझे बताना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहिए। आपको जल्द से जल्द आपका सारा इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड के रिलेटेड मिलता रहेगा, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।